अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवीन का यमी किचन। तो आज मैं बहुत ही चटपटा सा बनाने जा रही हूँ रगड़ा। ये स्ट्रीट फूड है और ये ज़्यादातर बहुत कम ही मिलता है, तो चलिए आज इसे हम घर में बनाते हैं। तो ये येलो कलर का वटाना लेना है हमें और पानी में इसे डाल देना है 2 से 3 घंटे पहले। तो अभी इसे कुकर में हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे। आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हमें 7 से 8 लाल मिर्च लेनी है, इमली लेनी है और लहसुन की कुछ कलियां लेनी है और इसे पानी में डाल के भिगो देना है हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए। अभी मैंने यहाँ से कुछ 2 से 3 आलू लिए हैं और उसे अच्छे से ऐसे बारीक काट लिए हैं। वटाने से थोड़े से बाकी है गलना, इसी तरह से हम इसी में थोड़े से आलू जो मैंने काट लिए थे वो डाल के अच्छे से मिक्स करके वापस से सीटी लगा देंगे और आलू को भी इसी में हम गला लेंगे और सीटी लगाएंगे। इसे भी 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। फिर जो हमने मिर्च इमली भिगो के रखी थी, लहसुन की थोड़ी कलियाँ, इसे मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज का बिरिस्ता बना लिया है, तो ये बिरिस्ता आपको भी इसी तरह से बना लेना है। अब जो बर्तन में मैंने बिरिस्ता बनाई थी वो बर्तन को वापस से मैं गर्म करूँगी। इसमें ऑयल ऑलरेडी है, तो जो हमने पेस्ट बनाया था इमली का और थोड़ा से मिर्च और लहसुन का, इसे हमें ऑयल में डाल देना है और अच्छे से भून लेना है इसे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो के एंड तक के देखिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बाकी का जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वॉश कर लूँगी, जो है मिक्सी के जार का वो मैंने डाल दी उसमें। अभी इसे अच्छे से हम पका लेंगे, ये अच्छे से कुक हो जाए तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे हम। तो ये देखिए अच्छे से ये पक गया है। जब ये खोलने लगे तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा मसाले तो हमें डालना नहीं है, ये इसी से ही इतना टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो अभी इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, बाकी हमें कुछ नहीं इसमें ऐड करना है। अभी धनिया पाउडर को भी हमें अच्छे से इसमें पका लेना है, अच्छे धीमी आँच पर हम इसे। तो ये पक गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, इमली की, लहसुन की, धनिया पाउडर की। तो ये अच्छे से पक गया है, अभी हमें आगे का प्रोसेस करना है। जो वटाना और बटाटा हमने बॉईल कर लिए हैं वो हमें इस मसाले में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादातर ये आपको बाहर ही रगड़ा मिलता है, जो चटपटा रगड़ा मिलता है, बहुत ही कम मिलता है अभी तो। लेकिन जिसको ये पसंद है उसी को पता है ये कहाँ मिलता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थोड़ा सा अभी थिक है, तो आपको जितना लिक्विड फॉर्म में चाहिए, थोड़ा सूपी टाइप में चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए, तो उस तरीके से आप पानी ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने भी इसमें पानी डाल दी हूँ। तो इसे भी हम अच्छा, इसमें जोश आने तक के हमें इसे पकाना है। जब ये खोलने लगे तो समझ जाइए ये अच्छे से पक गया है, आपका रेडी हो गया है रगड़ा, चटपटा रगड़ा। आप इसे एनी टाइम आप ट्राई कर सकते हैं, नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। अभी हम इसे ढक के थोड़ा 5 मिनट के लिए हमें पका लेना है इसी तरह से। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें खोल आ गया है, ये जोश के साथ में पक रहा है और इसका टेक्सचर भी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इसे हम सर्व करते हैं। तो सर्व आपको क्या करना है, आप बाहर खाते हैं आपको पता ही है कि वो रगड़े वाला हमें क्या क्या डाल के देता है, तो उसी तरह से आपको जो जो इसमें डालना है आप डाल के खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं, 2 से 3 चीज़ आपको बस बॉईल करनी है, मसाला पीसना है, बस डाल देना है, बाकी आपको मसाले और कुछ ज़्यादा ऐड करना ही नहीं है। तो ये मैंने कटोरी में मैंने अभी डाल दिए हैं। अभी हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हमें प्याज काट लेना है, कोथिमीर काट लेनी है, फ्रेश कोथिमीर देखिए इसी तरह से आपको डाल देनी है। और थोड़े से हमें मैंने प्याज को जो है अच्छा बारीक चॉप कर ली थी,
तो इसी तरह से थोड़ा प्याज भी डाल देंगे, जिसको ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल के खाएं। इसी तरह मसाले में भी आपको अगर इमली अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप मसाला पीसने के टाइम पे इमली भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने बिरिस्ता तैयार की थी उसी तरह से थोड़ा सा हमें बिरिस्ता भी ऊपर डालना है। ये जो है रगड़े की स्वाद को बहुत बढ़ा देता है, बहुत टेस्टी बना देता है। तो ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और घर पे बनाइए, और कैसा बना मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये चटपटा रगड़ा कैसा लगा दिखने में ज़रूर बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं और भी डिलीशियस रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।